इन हरामजादों को जिताने वाले हरामजादों की वजह से इन हरामजादों ने जो इस पूरे देश के अंदर हरामीपन बना रखा है, ये कौन से चूतिए आप लोगों ने बिठाए हैं? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं कौन से भड़वे बिठाए आपने ऐसी सरकार के अंदर जो राम के नाम पे लोगों को मारते हैं। वो तो रंजन गोगोई हरामजादा वो बिक गया तो इसका मतलब राम को मान लेने का, नपुंसक हो गए हो, डर गए हो, हिजड़े हो गए हो, नेताजी सुभाष चंद्र की औलादे बोलते हो, आज वो रो रहे होंगे मैंने कैसे छक्के पैदा किए इस देश के अंदर। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, इनके पिछवाड़े खोल के देखे कि ये कौन है। यही अमित शाह ने रखवाया था 300 किलो RDX, इसी ने रखवाया था, इसी ने बम फोड़वाया था वहां पर, इसी ने हमारे सेना के लोगों की जान ली थी, CRPF के लोगों की जान ली थी। ये हम भारतवासी इस पूरे देश के अंदर इकट्ठा होकर दिल्ली घेरते हैं, मोदी के घर जाते हैं, उठा करके उसको बाहर फेंक देते हैं, खत्म बात। मैं बनाऊंगा वो आर्मी जो कि होगी इन हिंदू, ये जो नकली हिंदू हैं इनको घर में घुस के मारने वाली, देखता हूं कौन सी फौज, कौन सी सेना, कौन सी पुलिस मुझे रोकती है, और जिसको मेरे पे UAPA लगाना हो छूट है। तो इन RSS के गुंडों को घर में घुस के मारना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी। यही मां का दूध पिया है हिम्मत तो चलो मेरे साथ नरेंद्र मोदी घर में घुस के उसको चाटे पे चाटे पे चाटे पड़ेगा, इतने थप्पड़ मारेंगे मोदी को कि उसकी दाढ़ी निकल जाएगी, असलियत नीचे से बाहर निकल के आएगी, कितना बड़ा देशद्रोही आदमी हुआ। सावरकर के छक्के गोडसे की औलादों के। 7 साल पहले हमारे देश के बहुत बड़े तबके ने अलग अलग टुकड़ों में इस देश में एक सरकार बदल के दी और भारत के अंदर राइट विंग्स यानी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो एक हिंदूवादी सरकार बनी। क्या किया पहले 5 वर्ष में, जिसको आप मोदी 1.0 के नाम से जानते हैं, जिसको आप NDA 2 के नाम से जानते हैं, क्योंकि NDA 1 तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ये 5 वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक क्या नरेंद्र मोदी की NDA 2 सरकार ने 2014 से 2019 तक के बीच में इस देश के लिए कुछ भी किया? हां किया। उन्होंने सबसे पहले इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यानी के व्यवसाय खत्म कर दिया। नोटबंदी करके उन्होंने जो हीरोगिरी करने की कोशिश करी, उस हीरोगिरी के चलते इस देश के अंदर व्यापार खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस देश में अगर आप उठ करके चारों तरफ देखेंगे तो कोई दुकान से सामान खरीद रहा है या कोई जाके आज भी मोबाइल फोन खरीद रहा है, तो यह व्यापार नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी है, किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश है। असलियत के अंदर इस देश का व्यापार नरेंद्र मोदी ने GST से भी पहले नोटबंदी करके, डिमोनेटाइजेशन करके खत्म कर दिया। इससे इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद GST के नाम पे, जो GST के खिलाफ थे ये मोदी वगैरह, इन्होंने ये समझ लिया कि देश इनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जनरल सेल्स एंड गुड्स टैक्स डाल करके, इन्होंने सर्विस टैक्स डाल के आपको एक बांध दिया। आज आप 2 रुपए का टमाटर भी खरीदोगे तो उसका GST पहले ही पेड है, आप तो बाद में भुगतान कर रहे हो। यानी ये सरकार भूखी नंगी, जिसके पास नया पैसा कमाने की औकात नहीं है, इसको आप मुफ्त में खिलाए जा रहे हो, पिलाए जा रहे हो। करोड़ों अरबों रुपए नरेंद्र मोदी, अरे वो विदेश घूमता है ये तो भाड़ में गया, करोड़ों अरबों रुपए नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री जो रोज खुद पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पे हो, अच्छे खाने पीने रहने के नाम पे हो, या जिस किसी भी तरीके की नौटंकी के बारे में हो, वो अरबों खरबों रुपए जो साल के जा रहे हैं वो आपकी जेब से जा रहे हैं, जबकि आपके पास खाने के लाले तो ना सही लेकिन रहने के कोई बहुत अच्छे अब इंतजाम बचे नहीं, इन लोगों की बदौलत। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि पहली चीज संस्कृति, इस देश की संस्कृति थी एक दूसरे को इज्जत दो, भाईचारे के साथ रहो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, प्रांत का हो। हां, हमारे समाज में बहुत सारे विभाजन थे और अभी भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि हमारे यहां 24 घंटा हम लड़ते मरते कटते हों, यह नहीं था। यह इन हरामजादों ने कर दिया। इन हरामजादों को जिताने वाले हरामजादों की वजह से इन हरामजादों ने जो इस पूरे देश के अंदर हरामीपन बना रखा है, वो है आप 24 घंटा लड़ते झगड़ते या लड़ाई झगड़े की बातें करते सोचते
और या फिर डर के मारे के साला क्या झगड़ा फसाद हो रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग चल रही थी, कहीं गाय के नाम पे मारा जा रहा था, कहीं राम के नाम पे मारा जा रहा था। ये कौन से चूतिए आप लोगों ने बिठाए हैं? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं कौन से भड़वे बिठाए आपने ऐसी सरकार के अंदर जो राम के नाम पे लोगों को मारते हैं। कौन राम, कौन राम, कौन? मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है, पर राम कौन? वो तो रंजन गोगोई हरामजादा, वो बिक गया तो इसका मतलब राम को मान लेने का? अबे ये सब बेकार की बात है, राम मान लो भैया, आपके घर में राम, मेरे घर में राम, मैं मान लिया, लेकिन बाहर सड़क पे राम के नाम पे मारते हो? ऐसे मारने वालों को तो मुंह तोड़ देना चाहिए। किस बात की नपुंसकता रह गई अब इस भारतवर्ष के लोगों के अंदर कि कोई राम के नाम पे आके तुमको झापड़ मारता है, तुम साले को लटक नहीं मारते स्व बचाओ में? कोई गाय के नाम पे किसी को मारता है, तुम मारते नहीं साले को उल्टा उठा करके? नपुंसक हो गए हो, डर गए हो, हिजड़े हो गए हो, डरते हो? किससे डरते? बुरा लग रहा है सुनने में, है ना, बुरा लग रहा है ना? वो इसलिए क्योंकि आप ऐसा हो गए हैं, लगेगा बुरा, और मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे। मैं आज किसी संघी और वीएचपी और बजरंग दल को नहीं बता रहा, मैं आप आम भारतवासी को बता रहा हूं। नपुंसकता कब तक? अपने आप को बड़ा शहीद भगत सिंह की औलादे बोलते हो, मंगल पांडे की औलादे बोलते हो, नेताजी सुभाष चंद्र की औलादे बोलते हो, आज वो रो रहे होंगे कि मैंने कैसे छक्के पैदा किए इस देश के अंदर कि साले ये चार कौड़ी के, दो कौड़ी के संघी, जिनके खुद भगत सिंह खिलाफ थे, जिनके खुद नेताजी सुभाष चंद्र खिलाफ थे, ताली बजा रहे हो बैठ करके, ये हरामजादे अपने देश को खराब कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति बिगाड़ी। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे देश की धरोहरों को खत्म किया है। धरोहर में सबसे पहली धरोहर थी भाईचारा, जिसमें सर्व धर्म संभाव, प्रेम, प्यार, साथ में रहने का था। अब क्या सुनने को मिलता है? लव जिहाद। अबे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, इनके पिछवाड़े खोल के देखे कि ये कौन है। और आप लोग 24 घंटा क्या डिस्कस करते हैं? लव जिहाद पे ये हो रहा, लव जिहाद पे वो हो रहा, फलानी सरकार ने लव जिहाद पे काम है। दो चांटे मारो इनके, खींच के दो चांटे मारो, क्योंकि आप में अब क्षमता नहीं। और ये सारी चीजों से जब देश उभर रहा था 2019 के अंदर, किस तरीके से हमने देखा, चलो पुलवामा करा के सालों ने इलेक्शन जीत लिया। वो इलेक्शन क्यों जीता, कभी सोचा है? पुलवामा अटैक करवा के, यही अमित शाह ने रखवाया था 300 किलो RDX, इसी ने रखवाया था, इसी ने बम फोड़वाया था वहां पे, इसी ने हमारे सेना के लोगों की जान ली थी, CRPF के लोगों की जान ली थी, यही अमित शाह ने, और यही नरेंद्र मोदी के कहने पे, ताकि इलेक्शन जीता जा सके। बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन इसके अंदर क्या आप लोग कभी यह समझ पाए कि इन हरामजादों को वोट किन गधों ने किया, किसने किया वोट? हमारे देश में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। पहली प्रकार, जिसको आजकल आप संघी कहते हैं या संघी विचारधारा से प्रेरित लोग रहते हैं, उनका प्रतिशत मुश्किल से 10-12% है, या चलो इलेक्शन के समय 20% हो जाता होगा, लेकिन 80% लोग उस संघी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, इनफैक्ट उसके खिलाफ हैं। लेकिन आप क्या यह समझ पाते हैं कि हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, SP हो, BSP हो, TMC हो, AIA DMK हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज है, समाजवादी, BSP, जो भी है, ये लोग, RJD हो, जनता दल हो, ये अपना अपना वोट कैप्चर करने के चक्कर में, जिनका अधिकार है, उनको बाकायदा अधिकार है, लेकिन इसको कैप्चर करने के चक्कर में वो इस बाकी 80% को इतने हद तक डिवाइड कर देते हैं, इतने हद तक। क्या आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी सीट पे 20% वोट भी अगर खुद का मिल जाता है, 22% मिल जाता है, तो वो जीत जाते हैं, और हम बाकी जो भारतीय जनता पार्टी या RSS से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट खिलाफ है, उनका वोट बट जाता है? क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता, हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि हम इन बाकी राजनीतिक दलों को ढंग से समझाएं कि तुम लोग करके क्या कर रहे हो? अपने अपने रीजन में जो स्ट्रांग है, ठीक है भाई, आप रीजन में स्ट्रांग है, आप रीजनल सरकार बनाइए, बड़ी पार्टी उसकी मदद करे, लेकिन जो बड़ी पार्टी है जिसको केंद्र में सरकार बनानी है, उसको रीजनल्स मदद करे। अगर ये नहीं करना है तो इस धरोहर को मत बिगड़ने दीजिए, तो फिर हम और आप सड़क पे उतरेंगे, भाड़ में गई सरकारें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सब सारा दिन बात करते हैं बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गई, कोरोना के नाम पे चूतिया बनाया, देश का पैसा लूट लिया, प्राइवेटाइजेशन करने दे रहे हैं। अरे उठो, खड़ो खड़े हो, क्या सिखाया था गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन, आइए दिल्ली घेरते हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय हो ना जो पसंद नहीं करते बीजेपी और इन लोगों को, आइए लीजिए फैसला, लीजिए फैसला, कोई लीडर नहीं, हम भारतवासी इस पूरे देश के अंदर इकट्ठा होकर दिल्ली घेरते हैं, मोदी के घर जाते हैं, उठा करके उसको बाहर फेंक देते हैं, खत्म बात। किस बात का डर है? पुलिस मारेगी, सेना मारेगी, बस इस बात से डरते हैं आप लोग? अगर यही बात महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, अशफाक उल्ला खां, अगर इन लोगों ने सोची होती तो कि यार लाठी पड़े, किस प्रकार की नपुंसकता आ गई है हम लोगों में कि सोशल मीडिया के शेर बन गए हैं, लिख लिख के, लिख लिख के सब अपनी एनर्जी निकाल देते हैं, लिख लिख के, लिख दिया और सोचा अपना काम हो गया, अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचो। ये मोदी और योगी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का क्रियाकर्म कर दिया है, क्रियाकर्म। उत्तर प्रदेश सबसे गंदा राज्य है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घिनौने क्राइम होते हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे जाति के नाम पे हो। उत्तर प्रदेश में कोई तैयारी नहीं थी कोरोना की और कोई तैयारी है नहीं। जितने सरकारी अधिकारी हैं, छाती ठोक के कहता हूं, लखनऊ जाता हूं, वहां इनके सामने खड़े होकर कहता हूं कि ताली बजाओ छक्कों की तरह, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सबको तो सरकारी तनख्वाह मिल रही है, जबकि देश में हाहाकार मचा है रोटी के नाम पे। ये चक्रव्यूह में फंस करके अगर बैठे रहोगे कि कोई राजनीतिक दल आपको कुछ करके देगा, सरकार करके देगी, तो ये आपके प्रत्यक्ष सामने है, कोई कुछ करके नहीं दे रहा। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही हैं, वो अपने दायरे में, अपनी सीमा में कर रही हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं कि हां वो कर रही हैं, लेकिन क्या वो उतना पूर्ण है, पूरा है? प्रवीण जोशी जी लिखते हैं, नफरत की राजनीति हिंदी मुस्लिम करती है बीजेपी। तो प्रवीण जोशी जी, हम हिंदू मिलकर के ये 10% भाजपा के लोग भी नहीं होंगे, चल के इनके घर में इनको उठा के सीधा क्यों नहीं करते? हम यहां लिख के क्या करेंगे? वैसे आपकी बात से सहमत हूं, आपने पॉइंट लिखा इसलिए मेरे दिमाग में आया, मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन यह समय आ गया कि हम अधिकांश हिंदू जो हैं, अधिकांश मतलब 80% से ज्यादा, वो इन 20% से सामने सर नहीं झुकाएंगे, कोई नहीं झुकाएगा। ये 10-20 के गुट में आते हैं, हम 100 के गुट में जाएंगे, ये लाठी मारेंगे हम सर फोड़ देंगे, अगर ये लाठी मारेंगे तो हम सर फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे, क्योंकि ये लाठी मारेंगे। आभाजी लिखती है, निशान जी मुझ जैसी अकेली लड़कियां एक एक शब्द लिखने की कीमत चुकाती हैं। आभाजी आप शब्द मत लिखा करिए, आप शब्द मत लिखा करिए, आप कोई झांसी की रानी से कम है। आपका एक एक शब्द मैं पढ़ता हूं, आपके हाव भाव मैं पढ़ता हूं, आपको पढ़ के लोगों में प्रेरणा नहीं जगती, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल सटीक बात लिखती हैं आभा शुक्ला जी, लेकिन आपको पढ़ने के बाद अगर पढ़े लिखे इंसान में जागृति नहीं आती है तो वो उसका अनपढ़ गंवार होना एक तरीके से साबित करता है, इलिटरेट होना साबित करता है। ये इस समय जरूरी बन गया है कि हमें इस देश के अधिकांश हिंदुओं में, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, इस देश के अधिकांश हिंदू जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नफरत करते हैं, हमें एकजुट होकर के इन पिंकी चौधरी और यति चूतियानंद सरस्वती जैसे लोगों को घर में घुस के मारना चाहिए, ताकि ये देश के अंदर द्वेष भाव ना फैलाए। हमको थोड़ी देर के लिए ईसाइयों और मुसलमानों को साइड में रख देना चाहिए। यह आह्वान है हर हिंदू के लिए कि जो 10-20% जो ये हिंदू साले नाटकखोर भगवाधारी बन करके अपने देश को, हमारे देश को खराब कर रहे हैं, इनके घर में घुस करके इनके मां बाप के सामने इन लोगों को ऐसा रुलाना चाहिए बातों से कि इनके मां बाप रोएं कि कैसे
थर्ड ग्रेड के लोग पैदा किए हैं, जो ऐसे मोदी और योगी और जैसे इन चूतियों की बातों में आकर के इस देश की बर्बादी के लिए हर चौराहे पे जाके गंदगी फैला रहे हैं। यह हम हिंदुओं का काम है, और हम ये हिंदू 80% से ज्यादा है, और जिसको डर लगता है पुलिस से फौज से, वो अपनी मां या बीवी के पल्लू में घुस जाए और आगे से जिंदगी में कभी मंगल पांडे, भगत सिंह, नेताजी बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम मत लेना। तुम लायक नहीं हो कि तुम इस देश के अंदर खड़े होकर कह सको कि वाह 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, जिन्होंने आजादी दिलवाई थी उनके नाम पे तुम काला धब्बा हो, क्योंकि आज तुम हमारे देश को मिटने दे रहे हो घर पे बैठ करके, दो रोटी तोड़ करके सोशल मीडिया पे लिख के चुप हो जाते हो और सोचते हो काम कर लिया। यहां आजकल बड़ी आर्मी आर्मी चलती है ना, सेना वाली आर्मी नहीं, कोई हिंदू आर्मी, कोई फलानी आर्मी। अब मैं बनाऊंगा वो आर्मी जो कि होगी इन हिंदू, ये जो नकली हिंदू हैं इनको घर में घुस के मारने वाली, देखता हूं कौन सी फौज, कौन सी सेना, कौन सी पुलिस मुझे रोकती है, और जिसको मेरे पे यूएपीए लगाना हो छूट है। लेकिन अब हम हिंदू, असली हिंदू, जो इस देश की हिंदूवाद को मानते हैं, तुम्हारे छक्के हिंदुत्व को नहीं, जो आरएसएस की देन है, अब हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, और जिस पुलिस और सेना को लगाना हो लगा देना, और अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो आप अपने घर से निकलिएगा मत, क्योंकि आप सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। हद करते हो यार आप लोग भी। हम हिंदुओं को, इन नकली हिंदुओं को घर में घुस के मारना है, लेकिन क्या करें, हमारे गांड फट्टू बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया के शेर तो उठा लेंगे। सोशल मीडिया के शेर नहीं चाहिए, इस देश को अगर बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, अपने गांव को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है अगर, तो इन आरएसएस के गुंडों को घर में घुस के मारना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी। यही हमारे नेताजी बोस का कहना था, यही मंगल पांडे का कहना था, यही शहीद भगत सिंह का कहना था। देखता हूं कौन सा सुप्रीम कोर्ट मेरे को जेल भेजता है इस बात को कहने के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा है, संविधान ने भी मान्य रखा है कि अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम्हें स्व बचाव में पूरी छूट है कि तुम अपना स्व बचाव करने के लिए कोई भी एक्शन लो। मेरे देश के स्व बचाव के लिए कौन एक्शन लेगा, पाकिस्तान या चीन? तुम 400 घर में बैठ जाते हो कि चार लाठी लेके आए, यही मां ने दूध पिलाया है, यही मां का दूध पिया है। है हिम्मत तो चलो मेरे साथ नरेंद्र मोदी घर में घुस के उसको चाटे पे चाटे मारेंगे, इतने थप्पड़ मारेंगे मोदी को कि उसकी दाढ़ी निकल जाएगी, असलियत नीचे से बाहर निकल के आएगी, कितना बड़ा देशद्रोही आदमी वो है। और जिसको भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है ना, गेट आउट ऑफ माय लाइफ नाउ। एक साल से मैं समझा रहा हूं कि इनको जब तक इन्हीं की भाषा में बात नहीं की जाएगी तब तक समझ में नहीं आएगा। आंख उठा के देखो, तुम्हारे इलाके में 10% भी संगी नहीं है, उनसे ज्यादा तुम लोग हो। उठ के मारो अगर ये तुम्हारे देश को मार रहे हैं तो। तुम्हारी मां को कोई मारेगा तुम क्या करोगे? भारत माता को मार रहे तुम क्या करोगे? ताली बजाओगे? बहुत जल्द मैं आह्वान करूंगा, हम इस देश के सारे हिंदू मिलके इन संघियों को खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म करना चाहती। और जो संघी सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा, तुम देखना, मजाक नहीं है। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था, इस देश में ऐसे ही वीर नहीं है, इनकी वीरता निकालते हैं, वीरता निकालते हैं सालों की, सावरकर के छक्के, गोडसे की औलादों के। जो जो तैयार है तैयार रहना, और हां जो पुलिस और सेना को और सरकारों को करना है कर लो। अब यहां इस देश में इन भगवाधारी आतंकवादियों को मारा जाएगा, बाहर निकालो इन भगवाधारी गद्दारों को,